कार्ड को यूज करने के बेस्ट तरीके आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इस बात को गांठ बांध लें कि क्रेडिट कार्ड से जो भी आप स्पेंड करते हैं उसका बिल मंथ के लास्ट में जनरेट होता है। इसका मतलब ये है कि आपको एक महीने का कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई जितना स्पेंड किया है उतना देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर उतना स्पेंड ना किया हो और भरना पड़े तो थोड़ा दुख जरूर होता है। तो अगर आपको अर्जेंट कभी 10,000 रुपए की जरूरत पड़े और आपको वो 10,000 रुपए एक महीने बाद देने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक महीने के लिए आपके पास फ्री मनी है, जिससे आप जो चाहे कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पैसे से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भर के वहां इसे सर्कुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो FD करा सकते हैं, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में भी आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इससे आपको बहुत ज्यादा बड़ा वाला फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन इससे नुकसान भी नहीं है। और प्लस 1% या 2% आप मुनाफे में ही सही, लेकिन आप मुनाफे में रहेंगे। मतलब अगर आपने 1,000 रुपए पर भले ही सिर्फ 100 रुपए कमाए, पर द फैक्ट इज दिस इज एब्सोल्युटली फ्री मनी, क्योंकि आप अपने क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट फ्री पीरियड में हैं। दूसरे बेनिफिट की अब हम बात कर लेते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड को मंथली ढंग से यूज करते हैं और हर महीने टाइमली पूरी पेमेंट करते हैं, तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होती है और आपका सिबिल भी पड़ता जाता है, जो कि फ्यूचर में आने वाली फाइनेंशियल दिक्कतों में आपका सपोर्टर बनने वाला है। क्योंकि सिबिल स्कोर स्ट्रांग होता है तो एजुकेशनल लोन, होम लोन जैसे लोन्स लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। फॉर एन इंस्टेंस, सिटी बैंक का माइल्स वाला कार्ड यूज करने पर माइल्स मिलते हैं, उन एयरलाइंस पर माइल्स मिलते हैं, और ऐसे ही पॉइंट्स इकट्ठा करके कई बारी अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर गिफ्ट वाउचर्स भी मिल जाते हैं। तो है ना ये एक अच्छी चीज। तो सीधे सबसे बड़े 3 फायदे हमने आपको बताए। पहला, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। दूसरा, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग इससे ठीक कर सकते हैं। और तीसरा, सारी पेमेंट्स करने के लिए आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अब आ जाते हैं उन तरीकों पर कि कैसे सही से क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, तो 0 एनुअल फी वाला कार्ड आपको लेना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा फालतू खर्च करने से बचे जिसके लिए आपके पास पैसे ना हो और बाद में वो बिल आप पर ही भारी पड़ जाए। एंड सबसे लास्ट में, पे 100% ऑफ योर क्रेडिट कार्ड बिल। कोई मिनिमम अमाउंट नहीं लेना, कोई छोटी रकम नहीं, बिल को पूरा 0 तक आप भरें, ताकि आने वाली मुसीबत का साया भी आप पर ना पड़े। अगर आप क्रेडिट कार्ड को इसी तरह करेंगे यूज़, तो कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं कर पाएगी आपका मिसयूज़, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है। इस बात को समझे, और किसी भी तरीके का डाउट है तो सीधे यहाँ चले आएँ, क्योंकि हम देंगे आपके सभी सवालों का जवाब।